आज अपन इयत्ता 8वी विषय मराठी यातून कविता क्रमांक 8 पाखरांचे मारणे या कवितेचा अभ्यास करणार आहोत। तर चला मुलांनो आप आपली पुस्तके काढा आणि पान नंबर 27 वर बघा। पात्रांचे मागणे परिंदों की फरियाद, उर्दू में जिसे कहेंगे परिंदों की फरियाद, जिसके कवि है शायर है प्रेमचंद अहिराव। मेरे बच्चों प्रेमचंद अहिराव ने इस कविता में जो है तो परिंदों के बारे में ये चीज बताई है कि इंसान ये हम लोगों ने हमारी तरक्की के लिए जो है तो बहुत से जंगलात पेड़ पौधे जगह इन सब चीज़ों का जंगलात का खात्मा करके जो है तो हमने वहाँ पर हम इंसानों ने वहाँ पर फैक्ट्रियाँ घर वगैरह बनाए जिससे जो है तो परिंदों को रहने की जो है तो वहाँ पर दुश्वारी हुई और परिंदे अपना घर ढूंढ रहे हर जगह घर बड़े बड़े बंगले फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ इंसान ने बनाए और इंसान भी इस बात को महसूस करता है जानता है कि उसने उससे गलती हुई है लेकिन परिंदे जो जितने भी परिंदे आज बचे हुए हैं तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि इंसान तू अपने घर कारोबार कंपनियां वगैरह जो कुछ चीजें तू बना रहा है तो उसी के साथ साथ तू हमारे लिए भी जो है तो अपने घर पर अपनी छत पर पीने के लिए पानी अपने आंगन में एक हमारे रहने के लिए झाड़ दरख्त लगा उसकी ताकि हम उसकी बेलों पर झूला झूल सके दरख्त पर रह सके और अपने छतों से पानी पी सके। यही फरियाद यही मांगनी जो है तो परिंदे इंसान से इस कविता में कर रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों जो है तो प्रेमचंद अहिराव के बारे में थोड़ी सी मालूमात इस नज्म में इस कविता में जो है उनके उनके उनसे मुतालिक मालूमात जो है हम जान लेते हैं। प्रेमचंद अहिराव प्रेमचंद अहिराव 1974 प्रसिद्ध कवि विविध मासिक के दैनिक के नियत करने के या तो काव्य लेखन व सदर लेखन पर्यावरण सर्वसाधारण न जाते अनेक उपक्रमात सहभाग त्यांची शिव गाथा व शंभू गाथा ही पुस्तके प्रकाशित आहे। उनकी दो पुस्तके दो किताबें जो तो मशहूर है जिसका नाम है शिव गाथा शंभू गाथा ये जो जो उनकी मशहूर किताबें हैं किताबों के नाम है। आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात मानव शब्दाच्या सूक्ष्म जाती सृष्टीच्या स्वयंपणे वापर करू लागला आहे कळत कळत केलेल्या या गोष्टीमुळे सजीव सृष्टीतील वृत्त पाणी यांच्याही अस्तित्वाला धोका पडत आहे। स्वतःच्या प्रगतीबरोबरच प्राणीमात्रांच्या जीवनाचे संरक्षण करण्याविषयी मागणी पाखरांच्या माध्यमातून कवीने या कवितेतून व्यक्त केले आहे। प्रस्तुत कविता किशोर येथे 2018 या मासिकेतून घेतली आहे। तो चलिए पहले बच्चों अब हम इस कविता को पढ़ने और समझने की शुरुआत